गांव में बाजी पल पल बनती है बिगड़ती है। पहले अरविंद शर्मा के वायरल वीडियो ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया होगा, फिर प्रियंका ने रोहतक में रंग जमा दिया, जबरदस्त जनसैलाब के साथ साबित कर दिया कि कांग्रेस ने कि क्यों रोहतक को गढ़ कहा जाता है। लेकिन सबके बीच सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। बहादुरगढ़ से होकर प्रियंका के काफिले को गुजरने नहीं दिया गया। कांग्रेसी कहते हैं कि ये बीजेपी का डर है, वो हार मान चुके हैं, इसीलिए ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं। दरअसल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे थे बहादुरगढ़ में कि प्रियंका गांधी का काफिला वहां से गुजरेगा, वो उनका स्वागत करेंगे, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग वहां मौजूद थे। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर बाईपास का रास्ता दिखा दिया प्रियंका गांधी को, जिसके बाद कांग्रेसी भड़क गए। अभी हमें पता लगा कि प्रशासन ने अंदर से आने की एंट्री नहीं दी है, शायद घबरा गए हैं। ये प्रियंका अपनी आंधी में उड़ा ले जाएगी बीजेपी को, और उस उनके इंतजार में ये महिलाएं बहादुरगढ़ हलके के कोने कोने से आकर इकट्ठी हुई है, और पूरा दिन भर महिलाएं अपने आप डोर टू डोर जाकर एक दूसरे से एमपी साहब को ज्यादा से ज्यादा मतों से दिलाने के लिए उत्साहित कर रही है, और इनका उत्साह देखने को बनता है। मैं आभारी हूं अपने हलके की कि इतनी बड़ी जीत का आगाज आज हो गया है। आ गया है, बुखरा गया है, प्रशासन भी डर है कि तुम्हारे हाथ से हरियाणा जा रहा है। हरियाणा में इस बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल हो रहा है। ये पोजिशन है, 3 दिन से जैसे प्रियंका जी से बुखराया हुआ है, राहुल का जो प्रियंका का दौर चल रहा है हरियाणा में, हरियाणा की जनता उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, और मोदी के नाम से यहाँ लोग नफरत करते हैं क्योंकि मोदी को मदारी की संख्या दी गई है लोगों ने। लोकसभा क्षेत्र में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रचार में रोड शो में कल प्रियंका गांधी जी आई हुई थी, उनको देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई और जो चुनाव प्रचार में उन्होंने जो संदेश यहाँ लोगों को दिया है, बहुत ही उत्साहजनक संदेश था। और मैंने अपने जीवन में इतनी भीड़, इतना लारा मैंने कभी नहीं देखा जो रोहतक में चल रहा था। और परमिशन की बात है, परमिशन की प्रशासन इतना भयभीत था कि रोहतक में भी प्रशासन के पसीने छूटे हुए थे, और उसके बाद बहादुरगढ़ में जब उन्होंने आना था रात को बाई रोड, वो दिल्ली गई हैं, तो यहाँ भी प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जो प्रशासन की निष्क्रियता है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का विकास और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का विकास बोल रहा है, जो मनमोहन सिंह की सरकार में काम हुए, और यहाँ जो बहादुरगढ़ का नहीं पूरे हरियाणा का जो विकास हुआ, वही मुद्दे लेकर हम पब्लिक में जा रहे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अब बहादुरगढ़ से बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से